अभी तक इंसानों की बनाई 5 अंतरिक्ष यान है जो या तो हमारे सौर मंडल के किनारों पर पहुंच गए हैं या तेजी से इसके करीब पहुंच रहे हैं, और ये है पायनियर 10, पायनियर 11, वायजर 1, वायजर 2 और न्यू होराइजंस। ये यानों ने अपनी अपेक्षित जीवन काल से ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं। इन अंतरिक्ष यान को मूल रूप से हमारे पड़ोसी ग्रहों का पता लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब वे सौर मंडल से बाहर निकल रहे हैं। खगोलविदों को अंतरिक्ष में अद्भुत तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। वायजर मिशन बाहरी ग्रहों के नजदीकी से फ्लाई बाई से लेकर अंतरिक्ष में इंसानों की सबसे दूर पहुंच की खोज करने तक इन दो अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के खगोलविदों की समझ में काफी योगदान दिया है। ये अब यह पता लगा रही है कि सूर्य का प्रभाव कहां समाप्त होता है और कहां से अन्य सितारों का प्रभाव शुरू होता है। वायजर 1 ने हेलियोपोज को पार किया। ये वह सीमा है जहाँ सूर्य के कणों का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रह जाता है। कैलिफोर्निया में नासा के JPL में वायजर प्रोजेक्ट वैज्ञानिक और एक ग्रह वैज्ञानिक लिंडा स्पिल्कर ने space.com को बताया, वायजर 1 अब एक दशक से इंटरस्टेलर स्पेस में है और यह अभी भी चल रहा है। मिशन टीम को इस साल एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जब वायजर 1 अंतरिक्ष यान ने अपने स्थान के बारे में गलत जानकारी पृथ्वी पर भेजना शुरू किया। इंजीनियरों ने इसकी वजह निकाली तो पता चला ये अंतरिक्ष यान कंप्यूटर हार्डवेयर के खराब टुकड़े का उपयोग कर रहा था जिसे उसे उपयोग नहीं करना चाहिए था। हालांकि काफी पुराने अंतरिक्षयान के साथ इस तरह की घटनाएं तो होगा ही जब वे अपने समय से अधिक समय तक रहेंगे जिंदा। सौर मंडल के किनारे भी आश्चर्य से भरे हुए हैं। यह समझ में आता है कि सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा सौर मंडल के केंद्र से दूर जाने पर सघनता कम और फैल जाता है, लेकिन इससे काफी दूर जाने पर हेलियोपोज को पार करने के बाद वायजर्स को बहुत अधिक सघन प्लाज्मा का सामना करना पड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इससे काफी हैरान है कि आखिर ये क्या और कैसे संभव है। इस वर्ष इस मिशन के वैज्ञानिकों ने इस यान को अंतरिक्ष के कठोर ठंडे वातावरण से लेकर गर्म वातावरण को झेलने के बाद सभी इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया और सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, वे उपकरण अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। वायजर के कैमरों को दशकों पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान के अन्य उपकरण सूर्य से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो तारे से बहुत दूर है। हमारे सूर्य के बारे में ऐसी जानकारियां भी कलेक्ट कर रहा था जिसके प्रभाव से दूर ब्रह्मांड में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। दोस्तों, ये काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि सूर्य का प्रभाव इंटरस्टेलर रास्ते में भी काफी दूर तक पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन, में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ध्यान से, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वायजर कुछ और साल तक रहा तो हम काफी कुछ जानेंगे रास्ते में आने वाले अन्य ऑब्जेक्ट के बारे में। पायनियर्स 10 और 11। पायनियर्स अंतरिक्ष यान अपनी अहम भूमिका के कारण अंतरिक्ष इतिहास में एक विशेष स्थान बना चुका है। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पायनियर्स 10 ने 2003 में संचार खो दिया था और पायनियर्स 11 1995 में अपने अंतिम संपर्क के बाद बिल्कुल गुमनाम हो गया है। लेकिन ये दोनों अंतरिक्ष यान सौर मंडल में मानवता की उपस्थिति के निशानी है और ये अभी भी अपने इस खुले अनंत ब्रह्मांड में जा रहे हैं, भले ही इंसान इन्हें कमांड नहीं भेज पा रहे हो। जब एक बार अंतरिक्ष यान सौर मंडल से बाहर एक ओर लॉन्च हो जाता है तो भौतिकी के नियम के अनुसार यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कुछ अन्य ताकत इसके रास्ते में बाधा न बने। न्यू होराइजंस को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये मिशनों में अब तक का सबसे छोटा भाई है जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट 2015 में बौने ग्रह प्लूटो की काफी करीब से होकर गुजरा था और ये फ्लाई बाई से इंसानों को प्लूटो के बारे में कुछ नया जानने को मिला। ये यान बहुत ही तेजी से हमारा सौर मंडल को पार कर रहा है जो 2040 में हेलियोपोज तक पहुंच जाएगा। इसने न केवल अपना प्राथमिक मिशन पूरा किया है बल्कि इसने अपने पहले मिशन के रूप में 2019 में छोटे कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट अरुकोथ का फ्लाई बाई सफलतापूर्वक पूरा किया। साल 2022 की शुरुआत में अंतरिक्ष यान को हाइबरनेशन मोड में रख दिया गया था क्योंकि एक विस्तारित मिशन के लिए टीम से अप्रूवल नहीं मिली थी, लेकिन अब न्यू होराइजंस दूसरे कुइपर बेल्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। जब ये यान दूर अंतरिक्ष में तैर रहा था तो पृथ्वी के वैज्ञानिक अलग टेक्निक ढूंढ रहे थे। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ वायजर की तुलना में अधिक उन्नत टीम न्यू होराइजंस को दूर के सौर मंडल में एक पावर हाउस ऑब्जर्वेटरी के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा आइडिया है जिसे हम पृथ्वी पर उपयोग नहीं कर सकते।
12 नवंबर 1980 को वायजर 1 ने शनि के सबसे करीब पहुंचा। अभी इसकी दूरी लगभग 146,000 किलोमीटर थी। वायजर 1 शनि भाई से मिलने के बाद प्रति वर्ष लगभग 523 मिलियन किलोमीटर की गति से सौर मंडल से बाहर जा रहा था। फरवरी 1990 को वायजर 1 के कैमरों को पीछे की ओर घुमाया गया और सूर्य और ग्रहों की लगभग 60 तस्वीरों को कैप्चर किया गया। हमारे सौर मंडल का पहला पोर्ट्रेट जैसा कि बाहर देखा गया था। ये जब तस्वीर ले रहा था तो वायजर 1 अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था। इस तस्वीर को सौर मंडल पारिवारिक चित्र भी कहा गया है। हालांकि इस इमेज में बुध और मंगल को नहीं देखा जा सकता। बुध सूर्य के इतना करीब था कि देखा नहीं जा सकता था और मंगल सूर्य के उस तरफ था जिस तरफ वायजर 1 था, इसलिए केवल उसका अंधेरा पक्ष कैमरों के सामने था। ये तस्वीरें दो वायजर अंतरिक्षयान द्वारा ली गई 67,000 तस्वीरों में से सबसे अंतिम थी और अब वायजर 1 को इंटरस्टेलर मिशन के लिए बिजली और मेमोरी बचाने के लिए उनके कैमरे बंद कर दिए गए। आपको अगर इंटरस्टेलर का मतलब नहीं पता तो सुनिए, दो स्टार सिस्टम के बीच की यात्रा को इंटरस्टेलर यात्रा कहा जाता है। अंततः 1989 में सभी ग्रहों से आंखें मिलाकर अब वक्त था अपने सौर मंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर यात्रा पर जाने का, जहां वायजर अजीबो गरीब ग्रह से पंगा लेगा। आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जनवरी 1990 को इसका इंटरस्टेलर यात्रा शुरू हो गया था। इससे पहले हम इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में जान लेते हैं। आप एक कल्पना करिए कि हमारी पृथ्वी से एक यान को दूर ब्रह्मांड की ओर भेजा जाता है और वह स्पेस से सौर मंडल के सारे ग्रहों को पार करते हुए दूर ब्रह्मांड की ओर अग्रसर हो जाता है। जब इससे भी आगे गया तो देखा कि इधर ऐसे कई लाख सौर मंडल का समूह है जिसे आकाशगंगा नाम दिया गया। इस आकाशगंगा में इस समूह से अलग भी कई लाख आकाशीय पिंड हैं और ऐसे जिस समूह में हम रहते हैं उस आकाशगंगा को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इससे भी काफी दूर जाने पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों से हजारों आकाशगंगाओं का भी एक समूह है जिसे गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं, जो बहुत ही विशाल है। आप मिल्की वे आकाशगंगा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ऐसे हजारों आकाशगंगाएं हैं और जिस गैलेक्सी क्लस्टर में मिल्की वे स्थित है उसे लोकल गैलेक्टिक क्लस्टर या लोकल गैलेक्सी ग्रुप कहते हैं। इस क्लस्टर में लगभग 54 आकाशगंगाएं हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 50 लाख प्रकाश वर्ष है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे चलना है। अभी जब इससे भी बाहर आगे ब्रह्मांड में जाते हैं तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ तो इस गैलेक्सी क्लस्टर का भी ग्रुप है जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। इन सुपर क्लस्टरों में लगभग हजारों से लाखों गैलेक्टिक क्लस्टर होते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में मिल्की वे गैलेक्सी स्थित है उसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 110 गैलेक्टिक क्लस्टर स्थित है जिसमें शायद 47,000 आकाशगंगा होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इन सुपर क्लस्टरों का भी एक ग्रुप है जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस सुपर क्लस्टर में लगभग 1.5 लाख आकाशगंगाएं होने का अनुमान है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। इसका त्रिज्या लगभग 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है और लगभग ऐसे 1 करोड़ सुपर क्लस्टरों के बाद आता है ब्रह्मांड। इस स्तर पर पृथ्वी तो एक चींटी जैसी भी नहीं है। यह तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, मतलब कि इन सुपर क्लस्टरों का भी एक ग्रुप है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके बाद क्या है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जानने के बाद हम 10% भी नहीं जान पाए हैं इस ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में बहुत ही विशाल विशाल एस्ट्रोनॉमी स्ट्रक्चरें हैं जिसके अंदर बहुत सारी आकाशीय पिंडों का ग्रुप होते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो अगर ऐसे ही कई कॉस्मिक स्ट्रक्चरों के बीच खाली स्थान रहता है जहां कोई गैलेक्सी या ग्रह नहीं होता, यानी लगभग वहां कुछ नहीं होता, उसे ही वॉयड कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायजर 1 कितना दूर ब्रह्मांड में जा सकता है।